कोविड 19 संक्रमण के मामले में बढ़ती संख्या से बौखलाए जिम्मेदारों ने प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट क्षेत्र को पूर्णतया सीज कर दिया है। वहीं रायबरेली में कोरोना के 2 मामले पॉजिटिव मिले हैं, उसके बाद भी जिला प्रशासन सजग नहीं हो रहा है। ऐसा ही रहा तो फिर संक्रमण के ग्राफ को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। जिला प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने में नाकाम साबित हो रहा है। इंडियन प्राइम न्यूज़ की टीम ने प्रशासन द्वारा चिन्हित खाद्य सामग्री की दुकानों में जाकर देखा तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्थित फूड बाजार में लोगों का हुजूम कुछ इस तरह था कि उन्हें प्रतिष्ठान के कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की अपील ही ना की हो। एक और मामला जिला पंचायत कार्यालय के समीप का है। होटल संचालक बिना किसी खौफ के चाय व खाद्य सामग्री बनाकर लोगों को दे रहा है। विकास भवन और जिला पंचायत के समीप ऐसा होटल कैसे चल रहा है जहां पर जिले के जिम्मेदारों का कार्यालय है। ऐसे ही कई मंजर इंडियन प्राइम न्यूज़ की टीम ने जिले के तमाम उपयोगी वस्तुओं की दुकानों में देखा। शाम होते ही बिना पास के वाहन फर्राटा भरते हुए चौराहे पर घूमते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार उस दौरान कहीं और लगे होते हैं। प्रशासन को लॉकडाउन के लगभग अंतिम चरण में सजग होकर कार्रवाई करनी होगी। रायबरेली से हर्षित द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट।